नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 23,90,000 बच्चों का रद्द हो चुका है स्कूलों से नामांकन। शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए बिहार सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। बिहार को लेकर रहाणे और शिवम दुबे ने कही ये बात। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के सागर को रजत पदक। गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की अब बढ़ेगी परेशानी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग में कार्यरत व रिक्त पदों की संख्या तलब। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव के द्वारा राज्य के सभी निदेशालयों और जिलों को पत्र भेज निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पद कार्यरत बल और रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब की गई है और साथ ही पदस्थापन की भी जानकारी की मांग की गई है। बता दें कि 20 जनवरी 2016 से अब तक सरकारी सेवाओं में सभी तरह के पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35% 36 आरक्षण के आलोक में नियुक्त की गई महिलाओं की संख्या भी मांगी गई है। इसी तरह 1 अप्रैल 2020 से अब तक नियमित संविदा तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार प्राप्त महिला पुरुषों की अलग अलग संख्या भी मांगी गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रशासन में कितने कार्यालय संचालित हैं और उनमें कार्यरत महिलाओं की संख्या भी तलब की गई है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की अब बढ़ेगी परेशानी। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ के द्वारा एनएच से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को सख्त निर्देश दिया गया है। बता दें कोर्ट की ओर से कहा गया है कि नेशनल हाईवे पर गलत दिशा से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए सभी थानेदारों को लगातार पेट्रोलिंग करने एवं दोषी चालकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। वहीं इस दौरान महाधिवक्ता पीके शाही के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि आरा मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए बिहार सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। राज्य में पहली से पांचवी कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए बिहार सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। दरअसल महाधिवक्ता पीके शाही के द्वारा राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने का सुझाव दिया गया है। मालूम हो कि बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में पहली से पांचवी कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे में शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 है, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिससे कि इन शिक्षकों के बीच खलबली मच गई है। बिहार में 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का बढ़ा फेरा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेलवे की ओर से बिहार में 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों के अवधि में विस्तार किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के रंगिया मंडल के चांगसारी और अघियाठरी स्टेशनों पर दोहरीकरण कार्य के मद्देनजर एनआई कार्य किया जा रहा, जिस वजह से इस रेलखंड से गुजरने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। बता दें कि जिन 2 जोड़ी ट्रेनों के फेरे के अवधि में विस्तार किया गया है उनमें गाड़ी संख्या 02024 और 02023 पटना हावड़ा पटना स्पेशल ट्रेन, जिसका परिचालन 7 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक प्रत्येक रविवार को होगा, और गाड़ी संख्या 05565 और 05566 सहरसा अंबाला कैंट सहरसा ट्रेन, जिसका परिचालन 11 जनवरी से 27 जनवरी 2024 तक होगा। 23,90,000 बच्चों का रद्द हो चुका है स्कूलों से नामांकन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिससे यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जो 2 सप्ताह से अधिक दिनों से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, जिस वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। राज्य में ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? बता दें कि जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बच्चों की संख्या राज्य में 23,90,673 है, जिनका नामांकन स्कूल से पिछले 5 महीने में रद्द किया गया है। मालूम हो कि इनमें वैसे बच्चे भी हैं जिनके अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र देकर दोबारा नामांकन सुनिश्चित करा लिया गया है। बता दें कि नाम जुड़वाने वालों की संख्या रद्द की तुलना में 10% से भी कम है। बिहार को लेकर रहाणे और शिवम दुबे ने कही ये बात। बिहार की राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी में भाग लेने के लिए आए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे के द्वारा बिहार को लेकर अपनी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि बिहार आकर उन्हें अच्छा लगा, यहां के लोगों से उन्हें काफी स्नेह और प्यार मिला है। क्रिकेट प्रेमियों ने मुंबई की टीम का भी उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का क्रिकेट के प्रति काफी लगाव है। वहीं शिवम दुबे के द्वारा कहा गया कि बिहार के लोगों ने काफी स्नेह दिया, मैदान में दर्शक सरफराज और
रावल कुलकर्णी का नाम लेकर उनका उत्साह वर्धन कर रहे थे। मालूम हो कि बीते दिन का मैच खत्म होने के बाद मुंबई रणजी टीम के खिलाड़ी जब मैदान से बाहर निकलने लगे तो उनकी बस के आगे लोगों की भीड़ जमा हो गई। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के सागर को रजत पदक। बिहार के युवा हर क्षेत्र में अपना नाम बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे बिहार का मान सम्मान बढ़ रहा है। बता दें कि अब बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले सागर कुमार के द्वारा भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया गया है। दरअसल तिरहुत प्रमंडल के शारीरिक शिक्षा उप निदेशक सह बिहार भारोत्तोलन के संयोजक मिथिलेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सागर कुमार के द्वारा ईटानगर में चल रहे राष्ट्रीय जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपने नाम रजत पदक किया गया है। बता दें कि सागर कुमार के द्वारा 102 किलोग्राम ग्रुप में कुल 284 किलोग्राम का वजन उठाकर अपने नाम यह उपलब्धि की गई है। इनकी ट्रेनिंग कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से संचालित एकलव्य राज्य आवासीय भारोत्तोलन प्रशिक्षण केंद्र पटना में होती है। निकाय उपचुनाव के लिए 84 उम्मीदवारों को चिन्ह आवंटित। राज्य के 12 जिलों के 15 नगर निकायों में 16 वार्ड पार्षद एवं एक मुख्य पार्षद के रिक्त सीट के उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 103 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वहीं अब बिहार में नगर निकाय उपचुनाव के तहत 84 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है और इसके लिए मतदान की प्रक्रिया 22 जनवरी 2024 को होगी, जबकि वोटों की गिनती 24 जनवरी को की जाएगी और चुनाव परिणाम भी उसी दिन ही जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि कुल 103 नामांकन पत्र में मुख्य पार्षद की एक सीट के लिए सारण के छपरा निगम में 22 उम्मीदवारों ने और वार्ड पार्षद के 16 सीटों के लिए कुल 81 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से 35 नामांकन पत्र जांच के दौरान अस्वीकृत कर दिए गए। ऐसे में अब निकाय उपचुनाव के लिए मैदान में 84 उम्मीदवार अपना भाग्य अजमा रहे हैं। नालंदा में 31 अध्यापकों की नियुक्ति हुई रद्द, जाने क्यों। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई पहले चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा से चयनित नालंदा जिले के 31 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। दरअसल इन शिक्षकों के द्वारा जब विद्यालय में योगदान करने के लिए जाया गया तो जांच करने पर इनके वांछित योग्यता पेपर नहीं मिले, जिसके बाद इन्हें योगदान करने से रोका गया और जांच टीम के द्वारा जिला कार्यालय से संपर्क कर काफी गड़बड़ी मिलने पर इनकी नियुक्ति को रद्द कर दी गई है। इस बारे में DEO जियाउल ओहदा खां के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जांच में गड़बड़ी पाए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। जिले के चयनित 2,220 में से 2,063 विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति और पदस्थापन पत्र दिया गया है। पहली बार वाटर प्लस की श्रेणी में पटना को मिलेगा अवार्ड। 11 जनवरी 2024 को स्वच्छता सर्वे 2023 का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना को भी पहली बार वाटर प्लस की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। ऐसे में अब पटना नगर निगम की टीम अवार्ड लेने के लिए दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होगी। मालूम हो कि वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के मानकों को पूरा किया हो और साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट मल जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना बिहार का ऐसा पहला शहर है जिसे इस श्रेणी के लिए चुना गया है। वहीं इसके अलावा राज्य के 2 शहरों पटना और सुपौल का चयन गार्बेज फ्री सिटी का श्रेणी के लिए भी किया गया है। सीएम नीतीश ने निर्माणाधीन समाहरणालय भवन परिसर का किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नए निर्माणाधीन समाहरणालय भवन परिसर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने नए समाहरणालय भवन के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे विभिन्न हिस्सों की जानकारी देते हुए बताया कि मई माह के अंत तक नए समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बता दें कि निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि इस नए समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण कराए। इसके बन जाने पर एक ही छत के नीचे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय होंगे। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और उन्हें अधिक सुगमता से सेवा प्रदान की जा सकेगी। तेजस्वी यादव के बाल छिलाने पर सुशील कुमार मोदी का बयान। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए उस बयान के देश को मंदिर से ज्यादा अस्पताल की जरूरत है पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य मंत्री हैं, सारे मंदिर मस्जिद को तुड़वा दे और अस्पताल बनवा दे। जो बीमार पड़ेगा वह अस्पताल जाएगा ना, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए तो उसको मंदिर की भी तो जरूरत है। राम और रोटी दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आदमी को राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, आदमी को ईश्वर की प्रार्थना भी करनी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा, अगर राम मंदिर से दिक्कत है तो फिर तिरुपति क्यों गए थे? 50 लाख रुपए खर्च कर बाल छिलाने के लिए तिरुपति जाने की क्या जरूरत थी? अगर मंदिर में कुछ नहीं होता है तो
कांग्रेस ने राणा केपी सिंह को बनाया बिहार झारखंड की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा कई राज्यों को मिलाकर क्लस्टर वाइज स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें से बिहार दूसरे राज्यों के साथ पांचवें क्लस्टर में शामिल है। बता दें कि पांचवें क्लस्टर में बिहार के अलावा जो अन्य राज्य शामिल हैं उनमें झारखंड, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। बता दें कि राष्ट्रीय वेणुगोपाल की ओर से इस क्लस्टर को लेकर बीते दिन एक सूची जारी की गई है, जिससे यह जानकारी सामने आई है कि प्रत्येक क्लस्टर में एक अध्यक्ष और दो सदस्य नामित किए गए हैं। ऐसे में पांचवें क्लस्टर का अध्यक्ष राणा केपी सिंह को बनाया गया है। वहीं दो सदस्य के रूप में जयवर्धन सिंह और इबाना डिसूजा का चयन किया गया है। शेफाली शर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने T20I में रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए पहले T20 में 9 विकेट से जीत हासिल की गई। बता दें कि इस मैच में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी के द्वारा पहले विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी करते हुए नया इतिहास रचने का काम किया गया है। बता दें कि शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकीय पार्टनरशिप करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। मालूम हो के दोनों खिलाड़ियों के द्वारा मिलकर 15.2 ओवर में 137 रन बनाए गए। एक तरफ स्मृति मंधाना के द्वारा जहां 52 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली गई, तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली वर्मा के द्वारा 44 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली गई। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.30 रुपए और डीजल 94.09 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.06 रुपए और डीजल 94.78 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.78 रुपए और डीजल 95.45 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.53 रुपए और डीजल की कीमत 95.22 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.85 रुपए और डीजल कीमत 95.55 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, बिहार में कितनी जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों के अवधि में विस्तार किया गया है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। अगला सवाल, राज्य में कितने बच्चों का नामांकन रद्द किया गया है। ऑप्शन ए 23,90,673, ऑप्शन बी 23,90,690, ऑप्शन सी 28,90,673, ऑप्शन डी 28,90,690। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23,90,673। अगला सवाल, राष्ट्रीय जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सागर कुमार ने कितने किलोग्राम का वजन उठाकर रजत पदक जीता है। ऑप्शन ए 233, ऑप्शन बी 254, ऑप्शन सी 253, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, निकाय उपचुनाव के लिए कितने उम्मीदवारों को चिन्ह आवंटित किया गया है। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 84। अगला सवाल, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने T20I में कितने ओवर में 137 रन बनाए हैं। ऑप्शन ए 10.2, ऑप्शन बी 10.5, ऑप्शन सी 15.2, ऑप्शन डी 15.5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15.2। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेश कुमार मिस्त्री, प्रदीप कुणाल, सुदुल्लाह पलवी, बाबूलाल मरांडी, कुमारी संजना, नंद कुमार सिंह, नौशद राजा, रंजीत ठाकुर, हलेश्वर कुमार, ऋषिकेश साह, संजय कुमार, राजकिशोर महतो, विजेंद्र सिंह, राजेश पाल, मोहम्मद अफजल मंसूरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा मिले इसके लिए सरकार की ओर से क्या क्या किया जाना चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए लिखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।